नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज की वीडियो है 14 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में उपयोग की गई है? तो भारत की जो सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा है यह गुजरात में उपयोग की गई है। तो गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा उपयोग की गई है। क्वेश्चन नंबर टू है, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर आया है? तो कौन सा देश ऐसा है जो आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर आया है? तो ऐसा कौन सा देश है? तो सही जवाब इसका रूस। तो रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से बाहर आया है। डिटेल जान लेते हैं। तो रूस हाल ही में औपचारिक रूप से यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि, कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्स इन यूरोप जो CFE है, तो इससे औपचारिक रूप से आधिकारिक रूप से हट गया है। CFE क्या है? जो है यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि। जब बर्लिन की दीवार गिरने के बाद 1990 में हस्ताक्षरित CFE का जो उद्देश्य था, पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों के बीच सेनाओं के तेजी से निर्माण को रोकना था, जिससे कि युद्ध न हो। और इसका उद्देश्य क्या था कि शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को ऐसी ताकतें बनाने से रोकना था जिनका इस्तेमाल तेजी से हमले में किया जा सके। तो कुल मिला के युद्ध रोकने के लिए इस संधि का ये संधि हुई थी, और इसे अब जो रूस है ये इससे आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्रिकेट विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? रचिन रविंद्र ने, ए ऑप्शन। तो रचिन रविंद्र ने क्रिकेट विश्व कप में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो न्यूजीलैंड के हैं रचिन रविंद्र, और इन्होंने भारत में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्रुप चरण में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ICC पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। अगर बात करें सितंबर की तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो सितंबर 2023 है, तो 2023 का पुरस्कार सितंबर 2023 का पुरस्कार किसने जीता था? शुभमन गिल ने, और ये कहाँ के हैं? इंडिया के। और जो रचिन रविंद्र है ये है न्यूजीलैंड के, जिन्हें ICC पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ सितंबर 2023 का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, किस देश को ICC द्वारा अपने क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता से के निलंबन का सामना करना पड़ा है? तो किस देश को ICC द्वारा अपने क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता के निलंबन का सामना करना पड़ा है? तो ये ऐसा कौन सा देश है? तो वो देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका को ये सामना करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दे दी है? तो किस मंत्रालय ने दी है डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति? तो ये दी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो जो ग्रैमी अवार्ड है, तो 2024 के लिए जो ग्रैमी अवार्ड 2024 है, तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के जो एबंडेंस इन मिलेट्स, इस गीत को नामांकित किया गया है। एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में जो एबंडेंस इन मिलेट्स गीत है, इसे नामांकित किया गया है। और जो ये एबंडेंस इन मिलेट्स जो गीत है, तो ये जो गीत है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने लिखा है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फाल्गुनी सा और गौरव सा, इन तीनों ने मिलकर इस गीत जो गीत है अबंडेंस इन मिलेट्स गीत, जिसे कि ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामांकित किया गया है, इन तीनों ने इसे लिखा है। जो ये गाना है मिलेट्स फूड यानी बाजरा की खेती और अनाज की इम्पोर्टेंस को बताता है। तो ये गाना जो मिलेट्स है इनकी इम्पोर्टेंस को बताता है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है। तो मिलेट्स वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है वर्ष 2023 को। जो ग्रैमी अवार्ड है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। रविशंकर ने वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीता और ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय थे, और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो पहली भारतीय महिला है वह है तन्वी साहा। इन्होंने 2010 में ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन है? तो दुनिया की जो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख है वह है शेख हसीना। तो शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख है। और शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री है? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास जिसका नाम है बोंगो सागर 23 का आयोजन हुआ? बोंगो सागर जो ये युद्धाभ्यास है, तो बोंगो सागर 2023 का आयोजन हुआ है। तो भारत और किस देश के बीच? तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास है बोंगो सागर 2023 का आयोजन हुआ है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच बोंगो सागर 23 सैन्य अभ्यास हुआ है, और इसका आयोजन हुआ था 7 नवंबर से 9 नवंबर तक। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था बोंगो सागर 23 सैन्य अभ्यास, जो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये हो गए आज 14 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।